तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं इस हमले में शहीद हुए सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। तो ये वो ट्वीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो असम में राइफल्स पर हुए हमले की निंदा यहाँ पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद श्रद्धांजलियों को श्रद्धांजलि दी। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक सप्ताह तक स्कूल बंद रहेंगे, दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी, साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। तो केजरीवाल ने कहा है कि लोगों की जिंदगी और सांसों का सवाल है, कहा कि कठोर कदम उठाना हमारी मजबूरी है, हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर पर काम कर रहे हैं। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर शनिवार शाम एक आपात बैठक भी बुलाई थी। मौसम एजेंसी सफर के आंकड़ों के मुताबिक हवा में PM10 और PM2.5 प्रदूषकों का स्तर क्रमशः 134 और 72 था। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण में सुप्रीम कोर्ट पर में सुनवाई हुई, जो दलीलें यहाँ पर रखी गई उसे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। और अब इस पूरे मामले में जवाब तलब जो है केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से ही किया गया है कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या कदम पहले से उठाए गए थे और जो कदम उठाए गए थे वो कारगर साबित क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये स्कूली बच्चों और लोगों की जान का सवाल है। साथ ही सुझाव भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि अभी वैकल्पिक तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन यहां पर लगाया जाए, जिसके बाद ये आपात बैठक बुलाई गई थी और इसमें अहम फैसला प्रदूषण के चलते लिया गया है। सभी सरकारी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए, तो वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यही फैसला लिया गया है, वर्क फ्रॉम होम करेंगे सरकारी कर्मचारी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सीधा हमारे संवाददाता गुलशन सैफी का। गुलशन, लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बनता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की और उसके बाद अब बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस तरह की हालात हेल्थ इमरजेंसी के इस समय मौजूद हो गए हैं, अगर हम बात करें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है कि आज सुप्रीम कोर्ट को भी ये पूछना पड़ रहा है कि 500 में से हम अगर 200 अंक कम करना चाहें प्रदूषण के स्तर में तो वो कैसे करेंगे। ऐसे में आज 3 जजों की बेंच में जो आज सुनवाई हुई उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से ही तल्ख और सख्त टिप्पणियां की गई। ऐसे में सवाल भी उठाए गए कि आखिर पॉल्यूशन को लेकर राजनीति से ऊपर उठने का वक्त है, अब आखिर वो कौन। और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं है इस तरह से फटकार लगी हो, इस तरह से जवाब तलब किया गया हो। हालांकि अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो कदमों को लेकर लगातार सजग रही है दिल्ली सरकार, उसके बावजूद भी इस तरह से प्रदूषण का कहर दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। लेकिन अब ये जो बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, क्या कुछ इस बड़े फैसले में है और अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, क्योंकि वो भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी अभी पटरी पर पहुंची थी जिंदगी लोगों की। जी बिल्कुल, एक लॉकडाउन तो कोरोना ने लगाया था और दूसरा प्रदूषण लगाने की तैयारी में है, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने तलख और सख्त टिप्पणी के दौरान ये कहा कि एक विकल्प के तौर पर 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिससे प्रदूषण जब तक 2 दिनों में कुछ सामान्य स्तर पर आएगा तब बच्चे स्कूल वगैरह आ जा सकेंगे, क्योंकि याद रहे कि इस वक्त अभी फिलहाल बच्चों के भी स्कूल खोल दिए गए हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी हालात इस वक्त अच्छे नहीं है कि वो सुबह के वक्त जब प्रदूषण की मार ज्यादा होती है ऐसे में स्कूल जाएं। बिल्कुल गुलशन, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दलीलें रखी गई हैं और CGI की तरफ से भी कहा गया है, क्योंकि ये स्कूली बच्चों का भी सवाल है, उनके फेफड़ों पर संक्रमण जो है वो पहुंच सकता है, उनकी जान का सवाल है, तो जाहिर तौर पर। लेकिन जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, अगर ये कुछ दिन पहले ले लिए जाते तो शायद स्थिति कुछ और होती, क्योंकि किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि किसानों पर आरोप मर देना फैशन सा हो गया है, क्योंकि पटाखों पर भी पाबंदी थी, बावजूद इसके इस तरह से पटाखे फोड़े गए और आज स्थिति हम सब देख रहे हैं। जी बिल्कुल, किसानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में जैसे कहा जाता है कि पराली जलाने की वजह से जो 30% प्रदूषण है वो पराली की वजह से हो रहा है, तो बाकी का जो 70% प्रदूषण है उसके लिए सरकारें क्या कर रही है, अहम सवाल सरकार से पूछा है और उनसे ये भी कहा है कि सोमवार तक एक सुनवाई जो है स्थगित की जाती है, 2 दिन के भीतर आप हलफनामा दाखिल करके बताएं। और जाहिर तौर पर अब ऐसे भी देखना होगा गुलशन की 15 नवंबर को किस तरह से जवाब यहाँ पर रखा जाता है अपने पक्ष में। फिलहाल बहुत शुक्रिया गुलशन आपका जुड़ने के लिए जानकारी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पूर्व दिल्ली सांसद गौतम गंभीर ने तंज कसा है। सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर है। खुद को केजरीवाल दिल्ली का बेटा कहते हैं और दिल्ली का बेटा ऐसे ही नहीं बन जाता, जिसके उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से ही फुर्सत नहीं, देश विदेश में घूमते रहते हैं। छठ पूजा पर जमुना की हालत आप सबने देखी थी, अब ऐसे में दिल्ली के लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं जहां का वातावरण ही जहरीला हो। दिल्ली के बेटे को पहले कैंपेन करने से तो रोके कोई, पूरी देश में घूम चुके हैं दिल्ली छोड़ के। यमुना की हालत देखी आपने, 2000 करोड़ जो उनको बजट मिला था कहाँ चला गया? ये सवाल तो आप लोग पूछोगे ना, आप लोग पूछोगे नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि आपके बच्चे भी, आप भी तो इसी दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरे बच्चे भी रहते हैं। छठ पूजा के टाइम हालत देखी थी यमुना की कि पानी से उस फोम को हटाया जा रहा था। ये हमारे IIT के CM है जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर नाराजगी जाहिर की है। CGI NV रमन्ना ने कहा है कि वायु प्रदूषण से दिल्ली NCR में गंभीर स्थिति पैदा हुई है, हमें घर पर ही मास्क पहनना पड़ेगा। इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के गंभीर टिप्पणी की, बल्कि सरकारों को फटकारने की, देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज सचेत किया और बताया कि किस तरह से लोग दिल्ली के अंदर दम घुट रहा है। जहां हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वहीं पर पिछले बीते दिनों देखा होगा जिस तरह से नदियों का पानी दूषित है, यमुना की जो स्थिति है उसमें खासतौर से आप अरविंद केजरीवाल भी मानने लगे कि उसमें उन्होंने काम नहीं किया। तो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, हर तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को किस तरीके से सतर्क किया जा रहा है, पॉल्यूशन और डेंगू को लेकर DM गीतिका शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता। हमारे जिले में कई टीम्स बनाई गई हैं जो कि शिफ्ट्स में काम कर रही हैं, रात की भी टीम्स बनाई गई हैं, ये वॉच रखने के लिए कि कहीं खुले में तो नहीं कचरा जलाया जा रहा, या फिर SDMs भी एरिया में घूमते हैं डस्ट कंट्रोल एक्टिविटीज़ को लेकर, और कई चालान काटे गए हैं। जो लोग खुले में बदरी लेकर चलते हैं उसको कवर किए बिना, जिससे डस्ट उड़ती है, उसके कई चालान्स काटे गए हैं, और ये निगरानी की जा रही है कि एयर पोल्यूशन इस समय ना हो, और डीजल जनरेटर्स पर कंप्लीट बैन है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने BJP को व्यापारी का दर्जा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि BJP ने लोगों से कन्वेंस और पार्किंग चार्ज के नाम पर सिर्फ लूटा है और करोड़ों रुपए भी वसूले हैं। लोगों से दुगने दाम पर पार्किंग चार्ज लेकर व्यापार कर रहे हैं, और साथ ही विधायक ने BJP पर कई हजार रुपए के रिश्वत खाने का आरोप भी लगाया। दिल्ली के छोटे बड़े व्यापारी ने भारतीय जनसंघ को, जनता पार्टी को और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सालों तक चंदा देके इस पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली का या देश का व्यापारी बर्बाद ना कर दें। केंद्र के बाद बारे में बाद में जाएंगे, अगर सिर्फ MCD की बात भी हम करें तो पिछले 5 सालों के MCD के राज में दिल्ली के व्यापारियों के खून के आंसू जो है भारतीय जनता पार्टी ने रुलाए। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में पहली बार सांसद गौतम गंभीर की तरफ से आयोजित ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।
आईपीएल की तर्ज पर होने वाले इस टूर्नामेंट की तैयारियों का जायजा लेने सांसद गौतम गंभीर यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम पहुंचे और कहा कि इस आयोजन से उन खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा जो पैसे और सुविधाओं के अभाव में खेल में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि भविष्य में खेल को लेकर उनकी और भी योजनाएं, लेकिन उससे पहले मूलभूत सुविधाओं का होना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मैराथन भी करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति भयानक है। ईडीपीएल कॉन्सेप्ट है कि 10 विधानसभाएं हैं, 10 की 10 विधानसभाओं की टीम बनेगी, बच्चे खेलेंगे और जो जीतेगा, जो टीम जीतेगी उसको 30 लाख रुपए का इनाम है, जो रनर अप आएगी उसको 20 लाख रुपए का इनाम है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने जिस तरीके की फैसिलिटी बनाई है, यहाँ पर ईस्ट दिल्ली के बच्चे आएँ, इधर खेलें और जो अच्छा टैलेंट होगा होपफुली वो आगे जाए और उसको फाउंडेशन सपोर्ट भी करेगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी के पार्क के अंदर कूड़ा घर बनाए जाने को लोगों ने विरोध जताया है। आसपास की महिलाएं पुरुष मौके पर पहुंचे और उन्होंने कूड़ा घर बनाए जाने का विरोध जताया। यहां के लोगों का कहना है कि पार्क में बच्चे खेलने के लिए आते हैं और दूसरे लोग भी टहलने के लिए आते हैं, सभी को शुद्ध हवा मिलती है। अगर यहाँ पर कूड़ा घर बना दिया गया तो कूड़े की बदबू से पॉल्यूशन भी होगा और यहाँ उनका रहना दुभर हो जाएगा। धन्यवाद करो, उन्होंने यहाँ का कार्य है ना बंद करा दिया और यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। और ये देखिए, मुझे बहुत बाद में पता चला जब यहाँ कल से काम शुरू हुआ कि भाई एमसीडी जो है पार्क के अंदर कूड़ा घर बना रही। अब देखिए, जिस पार्क के लिए सौंदर्यकरण के लिए पहले भी करीब 80 लाख रुपए मैंने दिए थे और यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी पार्क में बैठते हैं। अभी आप देख रहे हैं कोई अपना गप्पे लड़ा रहा है, कोई कैसे भी है, अपने घर के बाहर आके पार्क में बैठ गए। ऐसे में अगर यहाँ कूड़ा घर बन गया तो पार्क में कौन घुसेगा? एक तो एमसीडी वैसे ही सफाई नहीं कर रही, पूरी दिल्ली को सड़ा के रखा है। दूसरी बात, और जो साफ सुथरी जगह है उसके अंदर, पार्क के अंदर कभी आपने देखा कि कूड़ा घर बनाओ? मतलब ये तो एक हद होगी एमसीडी की। कूड़ा घर कौन कह रहा है इसको? कूड़ा घर इसको स्थानीय लोग का नाम लिया जा रहा है। दरअसल इस अम्बेडकर पार्क के अंदर शाखा लगती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमेशा ये रहा है कि वो किसी तरीके से जनता को गुमराह करें। आज से 12 साल पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली को खत्ता मुक्त बनाने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया था। उसके तहत दिल्ली के सारे कूड़ा घर मुक्त हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बड़ी ही ईमानदारी से पूनम बागड़ी जी ने हमेशा अपने वार्ड में काम किया है। तो पिछले 6 महीना पहले पूनम बागड़ी जी ने पूछा कि जहांगीरपुरी अभी तक कूड़ा मुक्त क्यों नहीं हुई, 10 साल के अंदर 100% कूड़ा घर खत्ते खत्म हो जाने चाहिए थे। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का मां का निधन हो गया है। मायावती की मां रामरती का निधन करीब 92 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से अस्पताल में हुआ। तो दिल्ली की हवाओं का मंजर बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसे प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए इलाके के हाल जाने गए, जहां तस्वीरों में पीछे आप साफ देख सकते हैं। यहां मंगोलपुरी इलाके का ए ब्लॉक के पास का इलाका है जहां सुलभ शौचालय भी है जो इस समय उपयोग में नहीं, और साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से MLA राखी विदलायन, साथ ही स्थानीय निगम पार्षद कृष्णा परमल को भी अवगत कराया जा चुका है, उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, वो पिछले यानी कि जब से मैंने जन्म लिया मैं यहीं पर हूँ मंगोपुर क्षेत्र में, हैं, और जब से ये पार्क भाषा गंदा पड़ा है, ठीक नहीं हुआ। कंप्लेंट तो जोन में भी करी है इसकी और कंजाबला में भी करी है, और हमने जो यहाँ की विधानसभा जो है विधानसभा राखी बिल्लान जी उनको भी कंप्लेंट करी है, और जो यहाँ के निगम पार्षद है लेडीज है कृष्णा है नाम कृष्णा परमाल, वो है
उनको भी कंप्लेंट करिए, मगर यहाँ की कोई सुनानी होती। यहाँ के पीछे की आप कंडीशन देखिए कितनी बुरी है, यहाँ की कंडीशन तो कभी ना सुधरी ना सुधरेगी। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मां का निधन हो गया। मायावती की मां रामरती का निधन करीब 92 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से अस्पताल में हुआ है, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं, जहां वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। डीएलके पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने गुड टाइम्स कॉन्सेप्ट इवेंट की ओर से सोलबा हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स का आयोजन किया। ये आयोजन नेपाल छत्तीसगढ़ टूरिज्म और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म और सिविल एविएशन नेपाल प्रेम बहादुर अली, राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी मौजूद रहे। साथ ही कमला वर्धन राव आईएएस महानिदेशक पर्यटन सरकार भारत के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कार्यक्रम में मौजूद रही। अवार्ड सेरेमनी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर के सितारों और कप्तानों को सम्मानित के लिए किया गया है। पुरस्कारों में न सिर्फ हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, आदिवासी क्षेत्र के योग्य लीडर्स को भी सम्मानित किया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश अब कोविड से बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कोशिशें की हैं, तो दोबारा से जो टूरिज्म है, पर्यटन अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो रहा है। और सुनीत कालरा जिस तरीके से 16वां हॉस्पिटैलिटी अवार्ड शो करते हैं, मैं उसमें इसलिए आता हूँ कि मैं हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ हूँ और टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं चांदनी चौक से हूँ। और चांदनी चौक में हमने जो हवेली धर्मपुरा को रिस्टोर किया है, जिसको यूनेस्को अवार्ड मिला, तो मैं खुद इस सारी इंडस्ट्री का एक तरह से पार्ट हूँ। और पर्यटन में मेरा विशेष ध्यान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।